चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। धर्म स्नेही बंधुओं, छह ढाला का दूसरी ढाल का अंतिम चरण आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे जे करनी तन करण छी। आत्म अनात्म के ज्ञान ही आत्मा और अनात्मा के ज्ञान ना करके और केवल तपस्या करता है। आत्मा का ज्ञान नहीं है लेकिन मैं तप करता हूँ, उपवास करता है, ये करता है, वो करता है। जे जे करनी तन करण छी, तन करण छीन यानी तन को छीण करता है मगर कर्मों को छीण नहीं करता है। तन के छीण करने में कर्म छीण होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आत्मा के ज्ञान के साथ में जो तपस्या करी जाती है उससे ही कर्मों की निर्जरा होती है। तो आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है नहीं और तपस्या कर रहा है तो क्या कर रहा है? केवल तन को छीण कर रहा है, वो वास्तव में धर्म नहीं कर रहा है। ऐसे एक नहीं अनेक जीव हैं जो तपस्या करते हैं मगर आत्मा को नहीं जानते हैं, उपवास भी करते हैं, अग्नि के सामने बैठ जाते हैं, अपने आप को जमीन के अंदर सिर्फ सिर ऊपर होता है बाकी नीचे डाल देते हैं, नदी में खड़े हो जाते हैं, तपस्या बहुत करते हैं लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। वो केवल अपने तन को छीण कर रहे हैं। उस तपस्या से उन्हें क्या मिलता है? ख्याति। क्या मिलती है? ख्याति, यश। अरे देखो क्या तपस्वी है, छह छह घंटे पानी में खड़ा रहता है, इतने दिन से वो जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। ख्याति मिलती है, यश मिलता है, पूजा मिलती है, सम्मान मिलता है, इसके लिए करते हैं तपस्या। करते हैं किसके लिए? ख्याति के लिए, सम्मान के लिए। लेकिन जो मुनिराज जंगल में रहते हैं और आत्मा का ध्यान लगाते हैं उससे उन्हें क्या मिलता है? आत्मा का सुख मिलता है। एक सुख होता है बाहर का, किसी ने आपकी प्रशंसा करी, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलिए ना, यदि कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप उस व्यक्ति से बार बार मिलना चाहोगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी तारीफ बहुत करता है, है ना? और कोई आपकी बुराई करे तो आपको कष्ट होगा। तो आजकल भी जितने काम ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं वो किसके लिए हो रहे हैं? अच्छा खाना क्यों बनाते हो? ताकि मेरी तारीफ हो, ताकि लोग कहें क्या खाना बनाया, क्या केक बनाया है, क्या डोसे बनाए हैं, क्या इडली बनाई है, देखो क्या बिल्कुल नरम नरम है। यानी इतनी मेहनत करते हैं किसके लिए? तारीफ के लिए। खूब पैसा कमाते हैं किसके लिए? अरे बोलिए ना, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं क्या हूं? बस इतने कहलवाने के लिए। ऐसे कम में भी काम चल सकता है, लेकिन अधिक अच्छी कोठी क्यों बनाते हैं? अच्छा मकान क्यों बनाते हैं? अच्छी गाड़ी क्यों लाते हैं? जब मकान का उद्घाटन करते तब सबको बुलाते हो, क्यों बुलाते हो? ताकि देखे मैंने क्या बनाया, कितनी मेहनत करी, कितना पैसा लगाया है मैंने, यानी सम्मान के लिए।
जितने से जितने काम होते हैं वे ज्यादातर खुद के लिए नहीं होते हैं, नाम के लिए होते हैं। और यहाँ यही कह रहे हैं कि आत्मा के ज्ञान के बिना नाम के लिए किया गया काम केवल तन को छीन करना है, इससे कर्म निर्जरा होने वाली नहीं है। अच्छा कलर करते हैं, अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? सीए बनते हैं, किस लिए बनते हैं? यदि हमें 95% 100% आने चाहिए मेरे, किस लिए? अरे बोलिए ना, टॉपर होना है मुझे, मुझे टॉपर, हाँ मैं पूरा जिला टॉप करूंगा, मैं पूरा स्टेट टॉप करूंगा, किसके लिए? नाम के लिए, है ना? तो ये सारी दुनिया जितनी मेहनत कर रही है वो काम के लिए कम, नाम के लिए ज्यादा कर रही है। जितनी पढ़ाई सीए की करते हैं ना, यदि इतने घंटे पढ़ाई वो 2 साल 4 साल शास्त्रों की कर ले, वो पूरे भारत का सबसे बड़ा विद्वान बन जाएगा। 20 घंटे पढ़ना पड़ता है, 18 घंटे सीए की पढ़ाई, 20 घंटे तो पढ़ना ही पड़ता है, और मेडिकल की पढ़ाई, यानी इतनी पढ़ाई यदि वो शास्त्रों की गहराई से पढ़ ले तो हो सकता है उसे वो सबसे ऊपर वाला स्वर्ग मिल जाए। लेकिन बाहर पहुंच गया, मेहनत भी करी, एनर्जी भी खर्च करी, सब कुछ किया, लेकिन किसके लिए? बाहर के लिए, अंदर के लिए नहीं। यदि आत्मा का ज्ञान होने के बाद इतनी मेहनत करी जाए तो उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, और जितनी मेहनत बाहर कर लो रिजल्ट 0 मिलेगा। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन, ये सब क्रियाएं केवल तन को छीन करने वाली है। अब 20 घंटे पढ़ाई करने वाला, उसके शरीर की क्या हालत होगी, उसके दिमाग की क्या हालत होगी, उसके दिमाग की क्या हालत होगी, विचार करो। आजकल जितने बच्चे आ रहे हैं, पहले तो वो पढ़ाई खूब करते हैं, 20-20 घंटे पढ़ाई करेंगे। अब दिमाग तो दिमाग है ना, ये भी एक गाड़ी है, जैसे गाड़ी चलती है ना ऐसे दिमाग चलता है, और हर व्यक्ति के दिमाग की अपनी एक स्पीड होती है, और यदि उस स्पीड से ज्यादा आप चला दोगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी, यहाँ दिमाग खराब हो जाएगा। ये आजकल जो डिप्रेशन की बीमारी हो रही, क्यों हो रही है? वो छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर ये पढ़ ये पढ़ ये पढ़, घर आता है तो मम्मी ये पढ़ ये पढ़ ये पढ़, जबकि 8 वर्ष के पहले 5 वर्ष के पहले दिमाग पर लोड नहीं पड़ना चाहिए बच्चों के। ये दिमाग बढ़ता हुआ दिमाग है, दिमाग की संरचना चल रही है उस समय, उसकी कोमल है भी उसका दिमाग, और ज्यादा लोड डाल दिया तो वो खराब हो जाएगा। अब तुम डालो ना डालो, मोबाइल लेके बच्चा खुद ही डाल लेता है, पैदा होते ही मोबाइल मिल गया, पुण्यवान बच्चा है, तुम्हें थोड़ी मिला था, तुम्हें तो शायद लाइट भी ना मिली हो, तुम्हें तो शायद चूल्हे की रोटी खाने को मिली हो, उस समय गैस भी नहीं थी। पहले के समय जब आपने जन्म लिया था उस समय तो गाय का आपने दूध पिया होगा, और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि गर्म बाद में होगा, पहले लग गया तो लाओ पहले हम ही पी लें, ऐसे लोग भी होंगे। आजकल के बच्चों को पता है दूध में बदबू आती है, वो दूध नहीं पीते हैं, मलाई नहीं खाना, मलाई उनके मुंह में चुभती है, और पहले के बच्चे मलाई सबसे पहले चाहिए, घी ज्यादा चाहिए। तो आज भी शरीर मजबूत है, आज भी उनका दिमाग मजबूत है, और इतने संघर्ष करने के बाद भी वो आज अपनी उम्र में अभी तक यहाँ अच्छी तरह से पहुंच गए। अभी आने वाले बच्चे ना खाते हैं ना पीते हैं, बस मैंने हमेशा कहती हूँ ना, हाँ मैगी खाते हैं, जो पेट को भारी करे, जो आंतों को खराब करे वो मैगी खाते हैं, चिप्स खाते हैं, और पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, है ना? तो उनसे शरीर खराब हो रहा है, और पहले के समय में ये सब चीजें, मेरे ख्याल से तो हमने होटल ही बहुत कम देखी है, अब तो हर मोहल्ले में 4 होटल मिल जाएंगे। जितना पहले तो घर का खाना ही अच्छा माना जाता था, घर का ही खाते थे, तो ये सारी चीजें वर्तमान में बच्चों के जीवन में बहुत अधिक असर डाल रहा है। अब जो बच्चे अभी बचपन में कमजोर हैं, वो बड़े होके क्या करेंगे?
क्या उम्मीद करते हो आप उनसे? फिर माता पिता कहेंगे कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं है। वो अपनी टेंशन नहीं खत्म हो पा रही उनकी खुद की, वो माँ बाप की टेंशन कहाँ से खत्म करे? तो आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के बिना जितनी क्रियाएं हो रही हैं धर्म की, वो सारी तन को छीन करने वाली है। जे जे करनी तन करण छीन, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। ये मिथ्या चारित्र है, आत्मा के ज्ञान के बिना किया गया धर्म, वीतरागता के ज्ञान के बिना किया गया धर्म, परमात्मा के ज्ञान के बिना किया गया धर्म मिथ्या चारित्र है। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, आत्म के हित पंथ ला। यानी यहाँ सबसे पहले आत्मा को आगे रखो, और हर काम में यदि आपने आत्मा को आगे रख दिया तो समझना आपका पीछे जितना से एक लिख दो फिर जीरो लगाओ तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आप जीरो तो लगाते रहे मगर आपने एक नहीं लिखा तो सारे जीरो जीरो रह जाते हैं। ऐसे आत्मा को आगे रख के फिर आप कितने जीरो धर्म कर लें आपको उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। और केवल आत्मा को, आत्मा का एक आपने नहीं लिखा और फिर कितना भी धर्म आपने जीवन में किया है उसका रिजल्ट आपको 100% मिलने वाला नहीं है। तुम आत्मा हो कि नहीं हो? तुम जीव हो कि नहीं? अरे बोलिए ना, जीव हो? अच्छा, कौन कौन जीव है? हाथ उठाकर बताओ, मैं देख तो लूं। जीव कौन कौन है? पड़ोसी को देख के मत उठाना हाथ। तुम्हें पता हो कि मैं जीव हूं तो उठाना, नहीं तो मत उठाना। अब उठाओ हाथ। किस किस को? अपने पड़ोसी को मत देखो, अपने आप को देखो। तुम्हें पता है कि तुम जीव हो? अच्छा, जीव किसे कहते हैं? जानना और देखना, ये तो आजकल कैमरा भी कर लेता है। सही गलत की क्षमता होती है, थोड़ा बहुत ये काम तो शायद कैमरा भी कर लेता है, कंप्यूटर भी कर लेता है। आप कुछ गलत डालोगे तो वो सही कर देता है। जो जीता था, जीता है और जिएगा। क्या परिभाषा है जीव की? जो जीता था, जीता है और जिएगा, उसे कहते हैं जीव। आप इस जन्म में जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? जी रहे हो। पिछले जन्म में जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे? उसके अगले जन्म में जियोगे कि नहीं जियोगे? बस ये परिभाषा है जीव की। चेतना ही जिसका लक्षण है, चेतना जागृति, जो कभी मरता नहीं है। एक गाड़ी है, आप उसको चाबी से खोल लेते हो और चाबी से बंद कर देते हो। यानी जब गाड़ी खड़ी है तो वो पेट्रोल नहीं खा रही है, ठीक है। अब आप हैं, रात को सो जाते हो तो आप, ऐसा तो नहीं आपकी चाबी बंद हो गई है, गाड़ी बंद हो गई है सोते समय? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ऐसा है क्या कि जब आप सो जाते हो तो आप पेट्रोल खाना बंद कर देते हो? आप रात को भोजन करके सो तो सुबह पेट में भोजन मिलता है क्या? नहीं मिलता ना, नहीं मिलता ना। इसका मतलब क्या हुआ? इस शरीर ने रात भर काम किया है, हार्ट चलता रहा, सांसें चलती रही, पेट की पाचन क्रिया वो चलती रही। दिमाग का इसलिए लगता है कि जब हम ज्यादा नींद की गहराई में जाते हैं तब हमें पता नहीं चलता। नींद जैसे ही थोड़ी कमजोर होती है सपने आने शुरू हो जाते हैं, दिमाग का काम शुरू हो जाता है। दिमाग मतलब गहराई में जब जाते नींद की तब तो पता नहीं, दिमाग तो चलता रहता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। यानी शरीर की हर मशीन, हम सोते रहते हैं और मशीन चलती रहती है। लेकिन तुम गाड़ी को यदि चाबी से बंद कर दोगे तो फिर वो नहीं चलेगी, है ना। लेकिन इसको कहते चेतना, जो कभी मरता नहीं है। चाहे तुम सो जाओ, चाहे तुम एक इंद्री में चले जाओ, चाहे तुम दो इंद्री में कहीं चले जाओ, लेकिन तुम्हारी जो आत्मा की चेतन शक्ति है ना, वो कभी मरती नहीं है। इसको कहते हैं जीव। जीता था, जीता है और जिएगा, इसका नाम है जीव, है ना। और हम इस दुनिया में आए और हमें यही नहीं पता कि हम जीव हैं,
और जी करके चले गए इस संसार से, तो फिर वापस उन्हीं गतियों में चले जाएंगे। और हमने इस दुनिया में आके ये जाना कि मैं आत्मा हूँ। अब इसमें फिर ये देखना पड़ेगा कि किसकी चिंता पहले करूं। उत्तमा स्वात्म चिंता चा देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता चा पर चिंता धमा धमा। कुछ समझ में आया? उत्तमा स्वात्म चिंता चा, सबसे उत्तम है अपनी आत्मा की चिंता करना। क्या है? अपनी आत्मा की चिंता करना। अब तुमने जान लिया, पहचान लिया, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, और ये शरीर अजीव है। शरीर मैं नहीं हूं और मैं शरीर नहीं हूं, यानी शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये जान लिया, पहचान लिया आपने, है ना? तो उत्तमा स्वात्म चिंता चा, अब सबसे पहले किसकी चिंता करो? आत्मा की। देह चिंता चा मध्यमा, इसके बाद अपने शरीर की चिंता करो। अधमा काम चिंता चा, इसके बाद अपने विषय भोगों की चिंता करो। पर चिंता धमा धमा, दूसरे की चिंता करना अधम से अधम काम है। और संसार में हो क्या रहा है? आत्मा की चिंता करते हो? नहीं करते हो। आत्मा की तो बिल्कुल याद ही नहीं आती। आत्मा तो आत्मा जो मैं हूं ना, वो तो कभी याद आता ही नहीं है। उसके बाद आई देह, तो देह तो फिर भी याद आती है। अब खाना है, अब पीना है, अब हाथ पांव धोना है, अब ये करना है, अब वो करना, अपने कपड़े पहनना, ये अपना शरीर का चलता रहता है। और पर चिंता धमा धमा, अधमा काम चिंता चा, अपने विषय भोगों की चिंता। उस होटल की एक कचौड़ी खानी है, वहां की पकौड़ी खानी है, वहां का पिज्जा खाना है, वहां का बर्गर खाना है, ये विषय भोगों की चिंता चलती रहती। वहां मूवी देखने जाना है, वहां वो करना, अपने विषय भोगों की चिंता चलती रहती है। और अधमा काम चिंता चा पर चिंता धमा धमा, दूसरे की चिंता करना अधम से अधम काम है। और संसार में लोग कर क्या रहे हैं? उत्तम वाली का तो नाम ही नहीं है, मध्यम वाली थोड़ी थोड़ी है, और जघन अधम वाली उससे ज्यादा है, और अधम से अधम वाली उससे ज्यादा है। अधमा काम चिंता चा पर चिंता धमा धमा, तुम दूसरे की चिंता करते हो कि नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, कहना शादी के बाद बस यही तो शुरू हो जाता है। जब तक शादी नहीं होती है, तब तक तो जिंदगी बड़ी बिंदास जी जाती है, आराम से जिंदगी कटती है। लेकिन जैसे ही शादी होती है, वो एक वो दोहा आता ना, भूल गए राग रंग, भूल गए चौकड़ियां, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ियां। अब उसमें थोड़ा सा बदल लो, नून की जगह नमक कह लो, हैं? और तेल तो तेल है ही, घी तेल तो है ही, और लकड़ियां यानी गैस। अब इतने का सिलेंडर हो गया, अब इतने का सिलेंडर हो गया, अब इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना हो गया, इसी की चिंता में पूरा अखबार भरा रहता है, इसी की चिंता में पूरे टीवी की ने तुम्हारी न्यूज भरी रहती है, और यही चिंता तुम वो खुद भी चिंता करते और हमें भी चिंता कराते रहते हैं। ऐसी महंगाई, अरे ये महंगाई बढ़ रही है, मुझे बहुत पहले याद है, अब ये बात कब की है वो ये तो मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन हाँ मैं 7-8 साल 10 साल की थी जब उस समय पर ये कहा जाता था महंगाई बढ़ गई है। उस समय यानी ये बात आप समझ लो 78 की होगी, 78 या 9 की होगी। उस समय कहते थे महंगाई बहुत बढ़ रही है, और अभी भी यही कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ रही है, और मुझे मेरे ख्याल से 40 साल बाद भी यही कहेंगे। हाँ, कमाई बढ़ रही है तो किसी ने कहा ही नहीं आज तक। पेट्रोल के दाम दिखाए जाते हैं, इसके दाम दिखाए जाते हैं, मगर तुम्हारी कितनी इनकम बढ़ी ये नहीं दिखाई जाती है। हैं? खर्चे भी बढ़ रहे, वो तो स्वाभाविक, लेवल बराबर हो रहा है। यहाँ सरकार ने तनख्वाह बढ़ाई, वहां उसका रेट बढ़ गया, तो बात बराबर हो गई। पहले लोगों को जितनी तनख्वाह मिलती थी, अब उससे दुगनी पेंशन मिल रही है लोगों को। तनख्वाह उनको 100 रुपए मिलती थी, 40,000 पेंशन मिल रही है। अब चिंता ही चिंता है, सुबह से लेके शाम तक चिंता के अलावा क्या करते हो बताओ? और वो भी उसमें आत्मा की चिंता नहीं है, पूरे दिन केवल दूसरों की चिंता है, शरीर की चिंता है, बीमारी की चिंता है, सब चीज की चिंता है, केवल आत्मा को छोड़ के। आत्म अनात्म के ज्ञान ही, आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से हीन होकर के हम ये जिंदगी जी रहे हैं। जे जे करनी तन करन छी,
तन को छीण कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डाइटिंग करने में क्या होता है, तन छीण होता है, छीण यानी कम, छीण यानी डाइटिंग करने में क्या हो रहा है, शरीर कम हो रहा है ना। और उपवास करने में क्या होता है, शरीर कम होता है, लेकिन उपवास करने में आत्मा की विशुद्धि के लिए, धर्म ध्यान के लिए हमने उपवास किया, उसमें जो तन छीण हुआ वो हमने तन को लक्ष्य नहीं बनाया है, उसमें लक्ष्य बनाया है आत्मा को, लक्ष्य बनाया है आत्मा को कि मैं तन को छीण करने उपवास नहीं कर रही हूँ, मैं तो आत्मा की विशुद्धि के लिए, पापों से बचने के लिए, कषायों के उपशम के लिए मैं उपवास कर रही हूँ। उपवास ये भी हुआ। और एक खाना नहीं खाती, क्यों नहीं खाती, मोटी ना हो जाऊं, या जो मोटी हो गई है तो रूखी रोटी खाओ, अब ये करो अब वो करो, डाइटिंग पे है, पैसा भी देते हैं और डाइटिंग भी करते हैं और जिम भी जाते हैं, अरे आसपास के कुएं से पानी खींच के ले आओ, जिम हो गई, चक्की चला लो, अरे बोलिए ना, चक्की चला लो, जिम हो गई, जो चटनी है ना वो खलबट्टे पे, वो सिलबट्टे पे पीस लो, जिम हो गई, और जो जो मसाला है ना मसाला वो खलबट्टे में कूट लो, जिम हो गई। तुम्हारे घर में जिम खुद है ना, तुम क्यों पैसा खर्च के दुनिया में जाती हो जिम करने के लिए, यदि कम से कम हाथ से तुम मसाला कूटोगी तो घर वालों को शुद्ध भोजन मिलेगा, कुएं का पानी लाओगी तो कम से कम साधु का आहार भी बनाओगी, सिलबट्टे की चटनी पीसोगी तो कम से कम स्वाद भी आएगा। अब वो मिक्सी में पीस लेते हैं, आधी पीसती है आधी नहीं पीसती है, वैसे ही होती है, खा लो अब चुपचाप, हम नहीं पीस सकते सिलबट्टे पर, जिम जा सकते हैं मगर सिलबट्टे पर चटनी नहीं पीस सकते। तो जो हमारा प्राकृतिक जीवन है ना, वो वास्तव में स्वास्थ्य, स्वाद और शरीर और आत्मा सबके लिए बढ़िया है, लेकिन जो ये आधुनिक जीवन, दिखावा वाला जीवन आ गया है, ये स्वास्थ्य के लिए, दिमाग के लिए, सब चीज के लिए खराब है। लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, क्या कह रहे हैं, किसका विकास हो रहा है, आकाश में उड़ने लगे ये विकास हो रहा है, दिन भर आंखें खराब कर रहे मोबाइल चला के ये विकास हो रहा है, कान खराब हो रहे ये विकास हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है ये विकास हो रहा है, दिमाग को एक सेकंड की चैन नहीं मिलती है, इधर जरा काम से फिर हुए तुरंत मोबाइल लेके बैठ गए, दिमाग तो दिमाग है, दिन भर काम करो रात में आराम करो, ये वास्तविक जिंदगी है। पहले लाइट नहीं थी ना, तो दिन में काम करते थे रात में आराम करते थे, 90 और 100 साल तक के चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती थी, हाँ या ना। हमने आचार्य सुमति सागर महाराज जी को देखा है, करीब 80 साल के थे, चश्मा नहीं लगता था और दांत ऐसे कि अभी गन्ना चूस लें, जब समाधि हुई उस समय, यानी अंतिम समय तक ना दांतों की प्रॉब्लम होती थी, ना आंखों की प्रॉब्लम होती थी, ना किसी और तरह की प्रॉब्लम होती, दिन जिंदगी भर दवाई भी नहीं खाते थे, कई लोग तो ऐसे भी होते थे, ये कैसे संभव है, ये मेहनत से संभव है। और अब जमाना आ गया है सुख का, किसका जमाना आ गया है, सुख का, और जिसने सुख भोगा उसको दुख जरूर मिलेगा, गारंटी है, लिख लो, इस संसार के सुख के साथ दुख परछाई बन के आता है, तुम एक सुख लोगे दो दुख फ्री में, जैसे एक फूल के साथ चार कांटे, एक के फूल के साथ में चार कांटे फ्री होते हैं, ऐसे एक सांसारिक सुख के साथ में चार दुख फ्री आते हैं। आप प्रैक्टिकल कर लो, यदि चिंतन मनन करते हो, आत्मा का ध्यान करते हो, आप कुछ दिमाग से सोचते हो अंदर की तरफ, और फिर आप सोच के देख लो कि ये सब चीजें संभव है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक दुख सुख के साथ चार दुख फ्री। अब लोग शादी करते हैं सुख के लिए करते हैं कि दुख के लिए, और आता क्या है बाद में, क्या कहते हैं, अरे हम तो महाराज जी बन जाते तो अच्छा होता, अरे हम तो माता जी बन जाते वही ठीक थे हम तो, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो, इसका मतलब तुम्हें ये चीज बाद में नजर आई कि वहां दुख है और यहाँ सुख है। जब तक ज्ञान नहीं होगा ना तब तक ऐसे ही होगा। लेकिन घर गृहस्थी भी मैं ये नहीं कहती कि बुरी है, यदि अच्छे से जिया जाए, दिमाग से जिया जाए,
एक दूसरे का सम्मान करके जिया जाए, एक दूसरे को अच्छा बता करके जिया जाए, एक दूसरे के प्रति अच्छा सोच करके जिया जाए, तो गृहस्थी में भी इतना दुख नहीं है जितना आप सोचते हो या जितना आपने बना के रखा है, जितना आपने पैदा किया है ना घरों में दुख, इतना दुख है नहीं है। यदि जिंदगी को अच्छे से जिया जाए ना धर्म के साथ में, ये जिंदगी आपको बहुत कुछ देगी। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। खूब उपवास करो, डाइटिंग मत करो, उपवास करो। हर अष्टमी हर चतुर्दशी को उपवास कर लो, शरीर मेंटेन रहेगा। क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। आपको डाइटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 दिन अच्छा खाओ, 6 दिन अच्छा खाओ और 1 दिन उपवास कर लो। अब तुम रोज बेचारा सामने तो मिठाई रखी, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगी? मन तो कर रहा है खाने का, लेकिन मोटी हो जाऊंगी। सामने चीज रखी है, बेचारी खा नहीं पा रही है। ये पुण्य है कि पाप है? अरे बोलिए ना। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें खाने की इच्छा है लेकिन मिलता नहीं है, और कुछ ऐसे हैं इच्छा भी है, मिल भी रहा है, फिर भी नहीं खा पा रहे हैं। और ज्यादा डाइटिंग बीमारी की जड़। एक भाई साहब आए, बोले माता जी मेरी पोती है ना, उसे चक्कर ही चक्कर आते हैं, और मैंने सब डॉक्टरों को दिखा लिया। तो जो डॉक्टर है ना, उसमें जितने टेस्ट बताते, मैंने सारे टेस्ट भी करवा लिए, लेकिन कुछ निकलता है नहीं और चक्कर उसको आते हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने एक ही बात कही, मैंने कि वो डाइटिंग करती। बोले हाँ। नस वहीं पकड़ी मैंने सीधी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा डाइटिंग करती? बोले हाँ। बोले खाना नहीं खाती, दूध नहीं पीती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो मैंने कहा ये तो तुमने नस्ल ही कमजोर कर दी। अब जो इस समय मतलब जो खाने पीने की उम्र होती है, कहते हैं कि जवानी में बचपन में खाया हुआ और जवानी में कमाया हुआ बुढ़ापे तक काम आता है। और जिसने अपना बिना खाए बचपन खत्म कर दिया, जवानी खत्म कर दी, वो बुढ़ापा तक जा ही नहीं पाएगा, और जाएगा तो वो हिलते हिलते जाएगा। ये दुख रहा, ये दुख रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, दिन भर शरीर में ही ध्यान रखा रहेगा। और आत्मा को रहना शरीर में है। आत्मा शरीर के बिना जब तक संसार में है, तब तक शरीर के बिना नहीं रह सकती। तो शरीर संबंधी सुख और दुख महसूस भी करने पड़ते। यदि शरीर में कोई बीमारी आ जाए तो सोचना किसको पड़ता है? अरे बोलिए ना, आत्मा को। बीमारी किसमें आई है और सोच कौन रहा है, इलाज कौन करवा रहा है? आत्मा। इलाज करवाने वाली आत्मा है और इलाज हो रहा है शरीर का। अच्छा, बीमारी कहाँ से आई है? नहीं नहीं, बीमारी शरीर में आई है तो किस कारण से आई, उसका जड़ खोजो। हैं? नहीं नहीं, किस कारण से आई है? दो, हर काम के दो कारण होते हैं, अंतरंग और बहिरंग, दो कारण होते हैं, है ना? जैसे आपने गलत खा लिया तो क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा। ये तो हो गया बाह्य कारण। लेकिन अंतरंग कारण कर्म। अंतरंग क्या कारण क्या है? जैसे सूरज है, सूरज उगा तो रोशनी हुई। अब आपको सारी वस्तुएं दिख रही हैं, दिख रही है ना, तो आप कैसे देख रहे हो, किसके कारण देख रहे हो? आंख के कारण या सूरज के कारण? यदि आंख से ही देखते हो तो अंधेरे में भी दिखना चाहिए। एक देखने में कितनी चीजें कारण है हमारे लिए। सबसे पहले कर्म का उदय, चक्षु दर्शना वर्ण कर्म का क्षयोपशम, पहला। दूसरा उजाला, और तीसरा आंख की ठीक ठाक उपस्थिति। यदि आंखों में कोई दिक्कत आ जाए तो भी नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे एक चीज को देखने में कितनी चीजें काम करती हैं। फिर हमने देखा, देखने के बाद वो सही चीज हमें दिख रही है तो हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। यदि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है तो हमें चीज समझ में आएगी, नहीं तो चीज समझ में नहीं आएगी। आयु कर्म से हम शरीर में हैं तो देख पा रहे हैं, तो आयु कर्म भी कारण है।
मोहिनी कर्म के कारण से राग या द्वेष करते हैं, अच्छी है या बुरी है ये कर लेते हैं। यानी एक काम को करने में कई कारण होते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि दो तीन दिन यहीं रुक जाए, इतनी शांति, इतना अच्छा, मतलब व्यवस्था बहुत ही अच्छा यहाँ पर हम लोगों को लगा है। रात हमने आरती की, इन्होंने इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा लगा, मैंने खूब नृत्य किया। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, और हमें भी आने का सौभाग्य मिला। मुनि सुब्रत नाथ भगवान को हमारा नमोस्तु, नमोस्तु माता जी को हमारा वंदामी, वंदामी, वंदामी। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।